दोस्तों फिर से लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक से बढ़ के एक किचन हैक्स। तो रोज के कामों को आसान बनाने के साथ साथ ढेर सारे पैसे के भी करेंगे बचत। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला है कि यहाँ पे देख लेते हैं तरबूज को लेकर के। दोस्तों जब भी हम लोग ना मार्केट से तरबूज लाते हैं तो ये देख करके लाते हैं कि ये मीठा और लाल होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मिलावट तरबूज में आने लग गया है और जितना आपको ना खाने में टेस्टी लगेगा उतना ही ज़्यादा जाकर के आपको पेट में हानिकारक पहुँचाएगा और केमिकल वाला जो है ना आजकल तरबूज आ रहा है। तो आपको कैसे पता करना है कि इसमें जो है ना कलर डाला हुआ है तरबूज में, केमिकल डाला है या नहीं, इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जिससे कि आप पता आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जितना देखने में तरबूज ये लाल लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे तरबूज जो है ना ऐसा ही होता है, लेकिन शहर में खास करके मिलावट तरबूजों में आ रहा है। तो इसके पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरीके के टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर को 4 फोल्ड में इस तरीके से आप कर लीजिएगा। इसके जगह कॉटन भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप एक तरबूज के कटे हुए टुकड़े को लीजिए या फिर कहीं से भी आप किसी भी जगह से इस तरीके से जो है आप टेस्ट कर सकते हैं टिश्यू पेपर से दबा करके। अगर कलर इसमें आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो तरबूज जो है ना मिलावट वाला है, लेकिन इसमें कलर नहीं आया है, ये नेचुरल कलर था। अगर इसमें कलर डाला होता तो ज़रूर इसमें आता, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। इस तरीके से आप ना तरबूज के पहचान कर सकते हैं कि वो तरबूज असली है या नकली है, मतलब कि उसमें मिलावटी है या नहीं। क्योंकि अभी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि तरबूज खाने से काफ़ी लोगों की हो गई है तबीयत खराब। तो चलिए दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है यहाँ पे अरबी को लेकर के। अरबी ना जब भी हम लोग काटने बैठते हैं ना तो सबसे पहले तो हम लोग के ना खुजली हो जाती है हाथों में, जहाँ जहाँ अगर इस हाथ को लगाते हैं ना तो खुजली हो जाती है। क्योंकि अरबी में कुछ ऐसे पाए जाते हैं चीज़ जिससे कि हमें खुजली की बीमारी, मतलब जब तक 2-3 घंटे तो खुजली होती ही होती है। तो देखिए खुजली होती है ना तो फिर ऐसे ऐसे ना पूरे दिन खुजाते खुजाते टाइम बीत जाता है। तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि अरबी काटते समय आपको बिल्कुल भी खुजली ना हो, और हो भी रहा है तो उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन और उपाय है आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का ही तेल आपको चाहिए। एक छोटी सी आप कटोरी ले लीजिए और उसमें आप ना 2 से 4 बूंद सरसों का तेल डालिए, बिल्कुल प्योर सरसों का तेल होना चाहिए। उसके बाद ना 1 चुटकी नमक, और डालने के बाद आपको सही से ना इसे मिला लेना है। मिला लेने के बाद ना इस तरीके से आपको पूरे हाथों में लगाना है, जहाँ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ लगाना है। और अगर आप काटने से पहले रहे हैं तो आप सारे जगह लगा लीजिए और अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। अगर आप ना मसाज करके ऐसे तेल और नमक की अरबी को काटते हैं या छीलते हैं तो आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और अगर गलती से आप बिना लगाए काट लिए हैं और खुजली हो रही है तो भी 1 से 2 मिनट में ठीक हो जाएगा खुजली, अगर आप इस तरीके से लगा लेते हैं तो। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर अगला टिप्स देख लेती हूँ। अगला टिप्स है इस तरीके के चाकू को लेकर के। चाकू जब हम लोग नया खरीदते हैं ना तो उसमें धार होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग काटने लगते हैं ना कोई चीज़ तो क्या होता है कि फिर ना धार इसके ना ख़राब हो जाता है और कटता नहीं है, और फिर हम लोग चाकू को फेंक देते हैं, लेकिन आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इसमें धार बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल भी कट नहीं रहा है। अगर इसमें धार होता ना तो कट जाता, तो मैं इसमें ना धार बनाऊँगी। पहले के ज़माने में जैसे ना घर पर धार बनाते थे वैसे ही हमें बनाना है धार। इस तरीके से आपको ना ले लेना है कोई सा भी पत्थर लेना क्या है आपके जो स्लिप के कॉर्नर होता है ना उसी पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको पजाना है, जिसे हम लोग बोलते थे पहले। हमारे यहाँ ना पत्थर पे ही इस तरीके से धार लगाते थे, जो दरात होता था उसमें, कुटी काटने वाला जो ब्लेड होता था उसमें, चाकू में इसी तरीके से धार लगाया जाता था। वही मुझे ना ट्रिक आज याद आ गया था तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि चाकू को ऐसे ही फेंक देते हैं। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं केले को लेकर के। केला खाना हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। वहीं केला जो है ना गर्मियों में सड़ना शुरू हो जाता है जल्दी, रात में लाइएगा सुबह तक ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको ना एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि केला बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, एकदम ताज़ा के ताज़ा रहेगा। आपको लेना है इस तरीके से एक फॉइल पेपर, छोटा सा आप टुकड़ा ले लीजिए यहाँ पे। छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद ना आपको ना केले के डंठल पे इस तरीके से जो है ना पूरा कवर कर लेना है, इतने अच्छे से कवर कर लेना है कि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जाए। फिर देखिएगा आप जैसे ना केले को रखेंगे सेम टू सेम वैसे ही केला रहेगा, ज़्यादा दिन तो नहीं कह सकती लेकिन 2 से 3 दिन वैसे ही रहेगा। फिर
फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगला टिप्स है यहाँ पे चश्मे के खाली डब्बे को लेकर के। हर घर में खाली चश्मे का डब्बा मिल ही जाता है, यूजलेस, जो कि हम यूज नहीं करते हैं। तो उसमें आपको एक काम करना है, अगर आपके घर में ऐसे खाली डब्बा पड़ा है तो, अगर यूज भी करते हैं तो भी आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको ना चश्मे के खाली डब्बे में इस तरीके से पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपको एक बढ़िया सा उपाय करना है, आपको ना ले जा करके फ्रीजर में इस तरीके से रखना है। अगर किसी के भी बच्चे के घर में सुई हुई लगा है और डॉक्टर ने बोला है बर्फ से सेकाई करने के लिए, तो आप इस तरीके से इसमें जो है ना बर्फ आराम से सेफ्टी के साथ जो है ना बंद करके जमा सकते हैं और फिर आराम से सेकाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी गंदगी वगैरह नहीं जाएगा, बंद रहता है इस वजह से। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना इसी तरीके के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरीके से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।